गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, प्रदेश के साथ साथ गोरखपुर का भी विकास बहुत तेजी से हो रहा है। उन्होंने कहा एम्स, फर्टिलाइजर, रामगढ़ ताल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर उदाहरण के रूप में जनता के समक्ष है। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के युवाओं के साथ साथ प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार मुहैया करा रही है। उन्होंने कहा निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखरेख में उत्तम प्रदेश बन रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने कहा, देखिए गोरखपुर में ही केवल नहीं, पूज्य महाराज जी पूरे उत्तर प्रदेश के विकास के लिए तत्पर हैं, उसके साथ साथ गोरखपुर का भी विकास हो रहा है। जिसका देख रहे हैं उसका जीता जागता सबूत है, एम्स आपका दिख रहा है और आपके फर्टिलाइजर दिख रहा है, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिख रहा है। ये अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और परम पूज्य महाराज जी ने उनके सोच की देन है कि आगे की तरफ बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ गोरखपुर भी आगे बढ़ रहा है। गोरखपुर से चुन के गए हैं और यहाँ पे तमाम योजनाएं महाराज जी ने अभी जल्द ही जेल बाईपास रोड पर करोड़ों रुपये दिया, स्वीकृति की है, क्या कहना है? देखिए महाराज जी तो चाहते हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश का विकास हो, उद्योग आए, तमाम यहाँ के युवा बेरोजगार जो प्रवासी मजदूर सबको रोजगार देने की उनकी योजना है उस पर काम भी कर रहे हैं और निश्चित तौर पर एक दिन ये सबके लिए रोजगार उत्तर प्रदेश मुहैया कराएगा।